नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो 7 जुलाई 2019 के क्वेश्चंस का वीडियो होगा, जिसमें कोशिश करेंगे कि उस एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी सीटैट के मैथ का क्वेश्चंस आपसे पूछा गया वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किया जाए और आपको बताया जाए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और आप उसमें किस प्रकार से कम समय में उसको आप आंसर कर सकते हैं। देखिए इसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो बीकर की धारिता क्या है? ध्यान दीजिएगा, धारिता को आप कह सकते हैं उसका आयतन, अंग्रेजी में वॉल्यूम, या उसकी क्षमता कैपेसिटी कह सकते हैं आप, ठीक है। देखिए जैसे ये एक बीकर है, इस बीकर में बोल रहा है 3/7 पानी है, इतना पानी भर दिया है, ये मान दिया हुआ है आपको 3/7, और कहता है कि ऊपर तक पानी भरने के लिए कितना पानी चाहिए, 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो पहले आप समझें कि ये जो आपको भिन्न में मान दिया गया है 3/7 भाग, इसको आप किस प्रकार से आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ पर चर्चा हुई है बीकर का, और जो आपको भिन्न में मान दिया गया है 3/7, आप ये जरूर जानते होंगे कि एक भिन्न में नीचे जो हर का मान होता है, हर क्या होता है, वास्तविक मान, मूल मान, और ऊपर क्या होता है, उसका एक हिस्सा, क्या होता है, हिस्सा। इसका मतलब कि बीकर का मूल मान कितना है, 7 भाग, और आखिर अभी पानी कितना भरा हुआ है, 3 भाग। तो दोस्तों 3 भाग भरा हुआ है और पूरा बीकर का मान है 7 भाग, तो ये जो 16 लीटर जिसमें पानी और डाला गया है, ये हिस्सा कितना है बताइए, ये हिस्सा दोस्तों कितना है, 4/7। 7 में से ये कितना हिस्सा है, 3, और ये सॉरी 4, और ये कितना हिस्सा है, 3। तो आप ये खुद कह सकते हैं कि अगर ये 4 हिस्सा है तो 4 हिस्सा का मान दिया हुआ है 16 लीटर, 4 से काटोगे तो 1 भाग का मान मिलेगा आपको 4 लीटर। अगर 1 भाग का मान 4 लीटर, तो पूरे बीकर की धारिता पूछा गया जो कि कितना भाग है, 7 भाग, तो 7 भाग का मान आप निकाल चुके होंगे, 4×7=28 लीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 18/3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। दोस्तों अगर आपसे ये कहा जाए कि 10 में कितने 2 हैं, क्या कीजिएगा, 10 को 2 से भाग कर दीजिएगा, क्या को मिलेगा, 5 को 2 है। तो उसी प्रकार सर से पूछा कि 20 में कै को 4 है, तो क्या कीजिएगा, 20 को 4 से भाग कर दीजिएगा, क्या को मिलेगा, 5 को। तो यहाँ देखिए क्या मिला, चतुर्थांश, चतुर्थ मतलब 4 और अंश मतलब भाग, बोल रहा कि इसमें चतुर्थांश माने चौथा भाग कै गो है, तो चौथा भाग कैसे निकालेंगे, पहले गुना कीजिए इसको, 18 × 72 = 3 75/4 आया, इसमें चौथा भाग निकालना है, तो चौथा भाग होता है 1/4, तो आप क्या करेंगे, 1/4 से भाग करेंगे, तो जब भी किसी भिन्न को भिन्न से भाग करते हैं तो वह पलट जाता है, यहाँ से कट गया और आपका मान कितना दोस्तों, 75। तो चतुर्थांश वाला सवाल पिछले 2-3 वर्षों से देखा जा रहा है कि आपसे पूछता है, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए और ये सवाल ना छूटे, ये आपके लिए बहुत ही एक तरह से गिफ्ट है आपके लिए, क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो पूछा गया था 19 में, इसमें 80-90% स्टूडेंट्स ने गलती किया और उन लोगों ने उत्तर से मार के आया 1308, जो कि बिल्कुल भी गलत उत्तर था। देखिए अब इसमें क्या करना चाहिए आपको और कैसे आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से और बिना कोई गलती किया बना सकते हैं। देखिए कहता है अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, तो योग करने पर अधिकतम संभव मान क्या होगा। दोस्तों अधिकतम मान तभी होगा संभव जब ये दोनों कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा बड़ा संख्या बनेगा और उससे जो जोड़ आएगा तो वो सबसे बड़ा संख्या बन जाएगा। तो देखिए इसका उपाय क्या है, ये जो अंक दिए गए हैं उसमें से सबसे ऊपर आप बढ़ा लेंगे, उसके नीचे जो आप संख्या ये 3 अंक का बनाएंगे उसके नीचे उससे बढ़ा लेंगे, फिर क्या लेंगे यहाँ पे उससे बड़ा 6, फिर नीचे 4, फिर ऊपर में 3, नीचे 2। यानी क्या करना है कि ऊपर में जो जो आप बढ़ा लेंगे उससे ठीक जो छोटा मान दिया गया उसको आप नीचे ले लेंगे। अब जब इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए 3, 2, 5, 6, 4, 10 के 0, 8, 7, 15, 1, 16, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और जो इसका सही उत्तर है, ठीक है।
समझ में आ गया ना आपको कि क्या करना है कि बड़ी संख्या अगर लेंगे, सबसे बड़ी संख्या शुरुआत करेंगे तो उसके नीचे ठीक उससे छोटी संख्या लेना है आपको। तो इस प्रकार से जो बनेगा वो सबसे बड़ी संख्या बनेगी। लेकिन अगर आपको छोटी संख्या कहा जाता तो ठीक इसका उल्टा करते हम लोग, सबसे छोटी हम शुरू करते और उसके बाद जो बड़ी है उसको भी हम ले पाते। तो बस इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तुक्का लेकिन नहीं मारना है, बहुत लोग से तुक्का मार देता है कि देखा सबसे बड़ा कौन 1605 मार दो उत्तर, जो मान लीजिए कर दिया होगा कि जय माँ काली सी नंबर, संजोग से सही उसका हो भी गया होगा। लेकिन क्या वो सही प्रोसेस है? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ ऑप्शन देता मान लीजिए 1860 तब तो आप फंस जाते है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बिल्कुल ही आपको सिर्फ शब्दों में फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन फंसना नहीं है आपको। देखिए सवाल क्या कहता है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है, प्राप्त संख्याओं का जोड़ क्या होगा? तो देखिए हम आपके हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। बताइए आपका फेवरेट संख्या कौन सा है? तो आपका जो भी फेवरेट संख्या है उसको ही आप पहले मन में ले लीजिए। मान लीजिए हम मेरा फेवरेट संख्या 10 मान लेते हैं, तो हम क्या किए, एक बार क्या बोला 50 में पूर्ण संख्या जोड़ी आती है, हम 10 जोड़ दिए। आ कहता फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है, तो इसका मतलब कि 50 में 10 ही घट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 60, यहाँ से मिलेगा 40, जोड़ने पे कितना दोस्तों बताओ 100। समझ में आ गया? आपका मन है कि नहीं हम बड़ा संख्या लेंगे हम छोटा लेंगे, तब जैसे मान लीजिए आपको मन है कि नहीं हम एक ही जोड़ेंगे, 50 में आप एक जोड़े 50 में एक घटा दिए, यहाँ से आएगा 51 और यहाँ से आएगा 49, तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आपका मान कितना दोस्तों आएगा 100 आएगा। अरे भाई जितना कदम आप आगे गए उतना भी आप पीछे ही आए, इसका मतलब कि आप बराबर स्थिति में है ना, यानी कि 50-50 ही स्थिति में आप जोड़ेंगे तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अगला दोस्तों ये जो सवाल आपके सामने लिखा गया है, ये सवाल आपका नंबर सिस्टम से एक टॉपिक होता है, दो अंकों के संख्याओं का निर्माण उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि मैं कौन सी संख्या हूँ, ये आपसे पहले पूछ लिया, संख्या ही आपसे पूछ रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूँ। मैं दो अंकों की संख्या हूँ, मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ। सार्वगुणज अगर न बुझाए सीधा सीधे समझिए एलसीएम, क्या समझेंगे एलसीएम, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। 9 गुणनखंड मतलब वो सारे टुकड़े जिनसे हम कटेंगे। ठीक है, यानी संख्या जिन जिन संख्याओं से कटेंगी वह उसका गुणनखंड होगा। अब देखिए यहाँ पे दो अंकों की संख्या तो सभी दो ही अंक का है। ठीक है, फिर बोल रहा कि मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ, 3, 4, 6 का सार्वगुणज, तो 3, 4, 6 का एलसीएम 12 होता है। एलसीएम निकालने आप लोग को आता होगा, टेक्निक हम पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। तो 12 इसका एलसीएम हो गया। भाई 12 तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, 12 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। इसका मतलब कि 12 से पहाड़ा वाला ही आपका ऑप्शन हो सकता है, तो 12 का पहाड़ा में 56 नहीं आता है तो सी पहले काट दो, उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 12 के पहाड़ा में 24 भी, 36 भी, 48 भी, इसका मतलब कि अब मेरा क्वेश्चन कहाँ टिक गया पूरा पूरी, कि 9 गुणनखंड जिसका भी होगा वही हमारा उत्तर होगा। आइए देखते हैं 36 का, देखते हैं पहले तो 36 कटेगा 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 9 से 12 से 18 से, उसके बाद और कटेगा खुद 36 से। देखिए क्या गो हुआ, 3, 3, 6, 3, 9, अरे हो गया, देखो 9 तो मिल गया, 3, 3, 6, 3, 9 पहले ही ऑप्शन में मिल गया। अगर नहीं मिलता तो बाकी 48 को भी चेक करते, 24 को चेक करते, कहीं तो मिलता ना, तो उत्तर क्या मानेंगे इसका, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो सवाल आपके सामने है ये सवाल आपका बाइनरी सिस्टम से है। ठीक है दोस्तों, आप जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जो भी हमसे नंबर सिस्टम पहले पढ़े होंगे या वीडियो हम डाल के रखे हुए आप देख सकते हैं, तो बाइनरी सिस्टम हम पढ़ाए थे आप लोगों को, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। दोस्तों इसमें करना क्या होता है कि या तो आपको बाइनरी से संख्या पूछेगा या तो संख्या देके क्या पूछेगा, बाइनरी पूछेगा। ठीक है, तो इस पर भी हम आपको वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर के बाइनरी से संख्या, संख्या से बाइनरी सर्च कर लीजिएगा कोचिंग के नाम से या मेरे नाम से, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा। आइए पहले सवाल देखते हैं। तो अगर आपको बदलना है संख्या तो क्या करेंगे, ध्यान से एकदम बहुत ही ध्यान समझिएगा, सबसे अंतिम वाला को आप 2 पे पावर 0 लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके पावर को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे, एकदम क्रम से बढ़ाएंगे।
ध्यान रखिएगा, क्रम से बढ़ाना है, एक भी आप टपेंगे नहीं स्टेप। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, 3 और 2 पांच अंक है ना, तो पांच अंक हैं तो पावर उससे एक तो कम ही होना चाहिए। देखिए 4 है ना, यानी हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है। 0 वाला जो मान है इसको आप काट देंगे, काट दिए भाई, तो 2 पे पावर 0 एक ना होता है इस दुनिया में। किसी भी संख्या या अंक पे पावर 0 मार दो क्या बन जाएगा, 1। 2 पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, तो 16 8 कितना दोस्तों, 24, 24 और 3 27, तो रिक्त स्थान में क्या भरिएगा बताइए, 27। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बाइनरी का दशमलव मान 27 है और इस दशमलव मान का ये एक बाइनरी मान है, ठीक है। बाइनरी मान में हमेशा 0 और 1 का ही यूज होता है, ध्यान रखिएगा, और आधार हमेशा 2 होता है। इसको हम दशमलव संख्या बोले, मतलब ये पॉइंट वाला संख्या नहीं है, दशमलव पद्धति का संख्या है, तब ना आधार क्या दिया गया है, 10, ठीक है। दोस्तों चलते हम लोग अगला सवाल, जो कि क्षेत्रमिति से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी आपको 2 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं, एक तो 21 वाला और एक आपका 19 दिसंबर वाला, दोनों में क्षेत्रमिति से क्वेश्चन था और वहाँ भी आयत और वर्ग से ही जुड़ा हुआ था, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वर्ग से ही जुड़े क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। कहता है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, वर्ग हम किसे कहते हैं दोस्तों, वर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों भुजाएं आपस में समान हो। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी 10। तो पहले हमको देखना होगा कि दोगुना करने से पहले दोस्तों परिमाप क्या था। तो परिमाप को आप ऐसे समझिए, परी मने बाहरी, परी मने बाहरी, ऊ वाला परी नहीं, उड़ने वाला परी, ठीक है। परी मतलब बाहरी और माप मतलब माप, उसका पूरा वैल्यू, माप करने के मेजरमेंट करके कितना वैल्यू होगा। तो बाहरी माप अगर मापेंगे, यहाँ से चलना शुरू किए तो चारों भुजाओं पे चलना पड़ेगा भाई, तो इसका होता है 4 गुने भुजा, क्या होता है 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने 10 बराबर कितना दोस्तों, 40। अब कहता है कि नया वाला में भुजा को दोगुना कर देना है, दोगुना मैंने 10 दुनी कितना दोस्तों, 20। तो अब दोस्तों परिमाप कितना होगा बताइए, तो 4 गुने भुजा यानी 20, मतलब कि कितना दोस्तों, 20 चौक 80, समझे कि नहीं। अब जो भुजा होगा वर्ग का नया वाला, तो डबल ना कर दिया है, तो चारों जो भुजाएं होंगे वर्ग का नया वाला कितना होगा, 20 करके 4 गो होगा, तो 80 हो गया दोस्तों। पहले कितना था 40, अब कितना दोस्तों हो गया 80, मतलब क्या गुना, 2 गुना। तो बहुत आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, चूंकि हमको लिखना पड़ता है बोर्ड पे, तो कुछ सवाल जो बड़े सवाल अभी हम छोड़ दिए हैं, वो सारे सवाल को हम एक वीडियो में, सारे बड़े बड़े सवाल जो डायग्राम वाले होते हैं, जैसे इतना केजी चावल लेना है, इतना ग्राम का दाम, वो सब सारे सवाल हम आपको 2 दिन के बाद एक वीडियो हम डालेंगे, उसमें सब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, घबराइएगा नहीं। पहले इन सब क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है एक दुकानदार 5.3 kg बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। पहले आप ये सोचिए कि ये सवाल पूछा क्यों आपसे, तो ये सवाल पूछा गया सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई की जानकारी के लिए, कि क्या आपको इकाइयों की जानकारी पता है कि नहीं, कि केजी में कितना ग्राम होता है, दर्जन में कितना मान होता है। तो दोस्तों 1 दर्जन में कितना मान, 12, 1 दर्जन में पैकेट कितना, 12, तो 2 दर्जन में कितना पैकेट बताइए, 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 5.3 kg बादाम, 2100 ग्राम क्या बोला दोस्तों, किशमिश, और 2.2 kg क्या बोला दोस्तों, काजू। अब बताइए कि 24 पैकेट में बराबर बराबर आपको क्या करना है, पैक करना है। आप खुद सोच के देखिए, अगर पैकेट में किलोग्राम के हिसाब से भरिएगा तो 2400 पैकेट भर भी नहीं करेगा कैसे। देखिए यहाँ कितना है, 2 किलो 100 है ना, 2100 ग्राम मैंने 2 किलो 100, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलो, तो 2000 ग्राम में 2 किलो और 100 ग्राम अलग हो गया। तो यहाँ देखिए 2 किलो, यहाँ 5, 5 2 7 और 7 2 9, 9 किलो 600 हो रहा मात्र। तो क्या 9 किलो 600 को केजी के हिसाब से अगर आप भरोगे पैकेट में, तो 2400 पैकेट में कहाँ से अटेगा, अटेगा बताइए, नहीं अटेगा। तो करना क्या होगा, इसको भी आप जो है ग्राम में चेंज कर दीजिए, 5.3 kg में 5 किलो में 5000 ग्राम और 300 ग्राम दोस्तों कितना हुआ, 5300 ग्राम। यहाँ से तो 2100 दिया हुआ है ही,
और 2.2 केजी मैंने 2200 2200 ग्राम हो गया, सबको जोड़ लीजिए 3 2 5 1 6 5 4 9 9600 ग्राम निकला। कुल कितना निकला ड्राई फ्रूट आपका 9600 ग्राम निकला। इसी 9600 ग्राम को 24 ठो पैकेट में आपको पैक कर देना है। आप 24 से काटेंगे दोस्तों तो ये कटेगा आपका 40 बार में, एक जीरो यहाँ आ गया, यानी एक पैकेट में दोस्तों कितना होगा 400 ग्राम होगा। 24 चौक 96 और 00 यहाँ हो गया, ठीक है। तो एक पैकेट में आप 400 करके भरेंगे तो पूरा का पूरा 9600 ग्राम किशमिश बादाम और काजू भर जाएगा। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तों। काफ़ी गर्मी है फिर भी आपको हम कुछ क्लासेस देने का प्रयास कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं। हम सिलेबस सारे जो 11 तक जो पूछा गया हम सारे ये क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।